मॉर्निंग हेमंत जी, नमस्कार। सर आप ठीक है? सर सुनिए ना, आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, तो 20 माइल से जो नीचे आप लोग ने वो किया था, रोड बनाया था, उसका दो जगह में खराब हुआ है सर। उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हाईवे का गाड़ी भी चल रहा है, दूसरा गाड़ी भी चल रहा है, तो दो जगह है खराब। वो सर कैसे करने से ठीक रहेगा, थोड़ा सा वो बता दीजिए पहले। अभी बहुत ज़्यादा ट्रॉपिक है, उसके कारण थोड़ा सा हमको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ऑलरेडी देखते हैं 2 से 3 दिन के अंदर हमारा लड़का एक इंजीनियर है, छुट्टी पे आया हुआ है, कल आ जाएगा, उसके बाद वो देख कर उसको क्लियर करवा देंगे 2 से 3 दिन के अंदर। सर एक्चुअली ये जो कंप्लीट कब होगा सर, ये जो आप लोग का ये जो प्रोजेक्ट है कब तक कंप्लीट होगा सर? ये तो आप भी देखे हैं हमारा बाईपास इधर जो स्टार्टिंग है पेड़ों के नीचे से, वहां से लेकर इसी बॉर्डर तक हम लोग करीब करीब हैंडओवर कर दिए थे, बना दिए थे, एक दो जगह छोड़ के, जैसे एक जनक अधिकारी जी के पास था, थोड़ा सा कटारे के जस्ट पहले था, दो जगह छोड़ के बाकी हैंडओवर बना दिए थे। हैंडओवर होने की बात था कि नवंबर दिसंबर में पेंटिंग करके हैंडओवर कर देंगे, लेकिन इस साल फिर ये नीचे नेचुरल थोड़ा सा ज्यादा लॉस हो गया है अपना बारिश के कारण। देखते हैं, पर ऐसे प्री प्लानिंग है कि जनवरी से फरवरी तक हम लोग नीचे नीचे का हैंडओवर कर देंगे। बाईपास में बायोडक्ट में 7-10 पेन और बाकी है, वो भी नवंबर दिसंबर में बन जाएगा, और उसके बाद अप्रोच का काम बैलेंस रहेगा, तो वो भी नेक्स्ट ईयर मार्च के पहले क्लियर होगा। आज के पहले क्लियर होगा ना सर? एक्चुअली क्या ना, आप लोग का कंपनी और आप लोग यहाँ होने से हम लोग का बहुत हेल्प हुआ है। जैसे कि कोई भी गाड़ी फंसने से यहाँ से गाड़ी आप लोग निकालने के लिए भेज देता है, जैसे कि थोड़ा गड्ढा उड्ढा होने से भी सामान वामन देके आप लोग हम लोग को हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग को भी, आप लोग को क्या कोऑपरेट करना चाहिए, क्या चीज में कोऑपरेट करना चाहिए, वो भी बता दीजिए आप लोग को भी। यही करना है सर कि देखिए, जैसे कि कल सुबह सुबह हमारा शिफ्टिंग चेंज का टाइम था, रिसी बॉर्डर पे जेसीबी खड़ा था। अब हम लोग किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखे ही नहीं है, पूरा का पूरा शीशा तोड़ दिया। ओके, वो हो गया, प्लस बाईपास में या इधर पब्लिक बहुत ज्यादा हमारा गाड़ी वाले ड्राइवर को हरास भी करता है। फिर कल दोपहर में भी हमको पुलिस का सपोर्ट लेना पड़ा मेंटेनेंस के लिए, ड्राइवर सुनते नहीं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा, जैसे आप भी देखते होंगे कि स्लाइडिंग होता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं जितना जल्दी से जल्दी उसको क्लियर कर दें, हार्डली 2 घंटा में क्लियर भी कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा पब्लिक को, उसको थोड़ा सा आप अपने तरफ से बोल दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, थोड़ा हम लोग को कोऑपरेट करें। मशीनरी तोड़ देते हैं, उससे उनको फायदा भी नहीं है, हमको तो लॉस हो गया, लेकिन सामने वाले को तोड़ने से कोई फायदा हुआ है तो ठीक है, ये तो गलत नहीं, फायदा तो कुछ कुछ किसी को भी नहीं हुआ, पर लॉस ही हुआ ना, लॉस हुआ, उसके कारण हमारा देखिए बारिश होगा, वो जेसीबी हम साइड पे नहीं भेज सकते, बाद में कुछ होगा फिर वही प्रॉब्लम हमको होगा या आप लोग को भी होना है, क्योंकि स्लाइडिंग होगा, हम जेसीबी नहीं वो भेज सकते, बारिश छूटा रहेगा जब तक चलेगा, बारिश आ जाएगा उसको खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि शीशा उसका मंगवाने भी उनको कम से कम 8-10 दिन लग जाता है। तो सर ऋषि का ऊपर का जो अभी जो चल स्लाइडिंग चल रहा है, उसके लिए आप लोग ने कुछ सोचा है सर? उसके लिए हम लोग NHRDCL को फिर से एक लेटर सबमिट किए हैं, लास्ट ईयर भी किए थे, इस साल भी किए हैं, कि उसको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन वर्क किया जाए, उसके लिए वो लोग भी लेटर्स को सबमिट करने के बाद बोले हैं कि ठीक है उसको क्लियर करते हैं। देखिए हो सकता है अक्टूबर नवंबर में स्पेशल टीम आएगा, उसके बाद उसके हिसाब से क्लियर होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, गिव योर टाइम। ओके, थैंक यू।